आप उम्मीद करते हैं आप सभी हेल्दी होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे साउथ इंडियन फूड में सबसे बेस्ट फूड रवा उपमा। दोस्तों नाश्ता हेल्दी टेस्टी और पौष्टिक हो तो दिन भर आप एनर्जेटिक और फिट महसूस कर सकते हैं। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि नाश्ता हैवी करना चाहिए ताकि आप फुल एनर्जी के साथ अपना काम करते रहें और थकान महसूस न करें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो खुद के लिए सुबह में नाश्ता बना सके, लेकिन बिना नाश्ते किए घर से निकलना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आप थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाएं तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाकर खा सकते हैं। आपको एक इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें पड़ने वाली सामग्री आमतौर पर घरों में उपलब्ध होती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रवा उपमा की, जो बेहद पौष्टिक ब्रेकफास्ट है। आइए जानते हैं सूजी यानी रवा उपमा की रेसिपी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। रवा उपमा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सूजी एक कटोरी, शुद्ध घी या रिफाइंड तेल दो छोटा चम्मच, एक प्याज, टमाटर एक, शिमला मिर्च एक, गाजर एक, बीन्स दो से तीन, उड़द दाल एक छोटा चम्मच, चना दाल एक छोटा चम्मच, राई एक छोटा चम्मच, हरी मिर्च दो, अदरक एक टुकड़ा, हरी पत्ता चार पाँच, हींग चुटकी भर और नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ती गार्निश के लिए, ये सबसे ज़रूरी है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस चूल्हे पर कढ़ाई या पैन रखकर इसमें एक चम्मच घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें एक कटोरी सूजी डाल दें और अच्छे से चलाएं। इसे हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें और फिर एक प्लेट में निकाल कर रख दें। दोबारा से पैन में एक बड़ा चम्मच घी या रिफाइंड डालें। इसमें एक छोटा चम्मच चना दाल, एक छोटा चम्मच उड़द दाल डालकर अच्छे से भून लें। अब इसमें एक छोटा चम्मच राई डालें और तब तक भूनें जब तक वो ब्राउन न हो जाए। फिर इसमें दो हरी मिर्च, अदरक बारीक काटकर अच्छे से डाल दें और इसको चार पांच करी पत्ते डालकर फिर से दोबारा भूनें। इसके बाद इसमें एक बड़ा प्याज काटकर डालें और चलाएं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हींग डाल दें, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें हरी सब्जियां जैसे मटर, बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च बारीक काटकर डाल दें। इनकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं होती। सब्जियों को डालकर अच्छे से भूनें और कुछ देर तक इसको खुले में ही छोड़ दें, यानी कि बिना ढक्कन के धीमी आंच में पकाएं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। जब ये पक जाए तो इसमें कटा हुआ टमाटर डाल दें। इसे एक से दो मिनट के लिए ढककर पकाएं। अब इसमें भुना हुआ सूजी डाल दें और मिक्स करें। आखिर में गर्म पानी डालें और पकने दें। बारीक कटी धनिया पत्ती डाल दें। तैयार है टेस्टी और हेल्दी रवा उपमा। इसे आप नाश्ते में गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं। इसे खाने के बाद आप एनर्जेटिक फील करेंगे, साथ ही सुबह सुबह नाश्ते में इसे खाने के बाद आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। दोस्तों आपको रवा उपमा की ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।